नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से चैनल पे नए वीडियो के साथ। मैं आपका दोस्त धूपन गुप्ता आप लोग लेकर आ चुका हूँ रोजगार की एक और नई वीडियो। जी हाँ साथियों, निरंतरता से मैं भारत मशीनरी से आप लोगों के साथ जुड़ता रहता हूँ और बहुत सारे भाई हमारे साथ जुड़ करके अपने आप को एक बेहतर एंटरप्रेन्योर और एक बेहतर बिजनेसमैन भी बनाए हैं और अपने भविष्य में आगे जा रहे हैं। अगर आप लोग भी अपना कोई सपना देख रहे हैं कि भाई खुद का रोजगार हो, खुद की बिजनेस हो, सारी चीज़ें खुद की हो, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत बड़ा आपको बिजनेसमैन बना सकता हूँ, अगर आपके अंदर क्वालिटी होगा तो मैं एक अच्छा सा स्टार्ट जरूर आपको मैं करवा सकता हूँ। अगर आप अच्छा स्टार्ट करते हैं, फिर आप अगर उसमें मेहनत निरंतरता से करते रहते हैं, तो आप बड़े से बड़े बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। साथियों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। आज मैं बहुत ही स्पेशल बात करने वाला हूँ, मशीनों के बारे में बात करने वाला हूँ, कैसे आप कमा सकते हैं, कौन सी मशीनें लगाना है, किस बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, उन सारे विषयों पे मैं बात करने वाला हूँ। साथ में बहुत ही आकर्षक ऑफर भी देने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अभी लगातार जो होली का ऑफर चल रहा था, हमारा वेट स्केल मशीन फ्री चल रहा था, उसमें बहुत सारे भाइयों ने अभी मैसेज कर रहे, लगातार फ़ोन कर रहे कि सर मैं छूट गया हूँ, मुझे भी ऑफर चाहिए था लेकिन मैं ऑफर होली के समय नहीं कर पाया। बहुत सारे बात लोग उन्हें कर रहे हैं, तो उन भाइयों के लिए बहुत ही बेहतर खुशखबरी आने वाला है, तो वीडियो पर लगातार बने रहिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। दोस्तों, आज मैं बेसिकली बात करने वाला हूँ कि कैसे आप जो है अपने आप को एक बेहतर बिजनेसमैन बना सकते हैं। देखिए, अगर आप आटे की बिजनेस में जाना चाहते हैं, सत्तू के बिजनेस में जाना चाहते हैं, अगर आटे और सत्तू का बिजनेस करना चाहते हैं, तो अभी गर्मी का मौसम है मान लीजिए, तो आप सत्तू पिसाई करके पैकिंग करके मार्केटिंग में सेल कर सकते हैं, ये तो पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा, कस्टमर का भी आप पिसाई कर सकते हैं, वहाँ से भी आपकी इनकम आएगी। उसके लिए आपको एक पल्वराइजर की ज़रूरत पड़ती है, जो इन सभी प्रकार की पल्वराइजरें हैं, इसमें से आप कोई एक ले सकते हैं। अगर आप आटा का बिजनेस करना चाहते हैं और अपने आप को एक मार्केट में स्टेबिलिटी के साथ ये करना चाहते हैं, तो हमारे साइक्लोन वाली जो मशीनें हैं और भी बहुत सारी मशीनें वो ले सकते हैं। साथ में आपको गेहूँ सफाई करने के लिए एक मशीन चाहिए होगा, साथ में आप राइस भी उससे बना सकते हैं। आप थोड़ा सा मैं दिखाऊँगा आपको, ये जो हमारे सामने मशीन है बहुत ही खूबसूरत मशीन है, इस मशीन के साथ भी आप जो है अपने गेहूं की सफाई कर सकते हैं। नहीं तो हमारे पास एक छोटे स्केल पे करने के लिए हमारे पास ये वाला मशीन है जो 3 HP के साथ आता है, इसमें भी आप जो है गेहूं की अच्छे से सफाई कर सकते हैं। तो गेहूं सफाई करने के लिए इस प्रकार की मशीनें लगा सकते हैं। जब गेहूं को साफ करके इन मशीनों में पिसाई करके फिर आप मार्केट में चाहेंगे तो पैकिंग करके भी बेच सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। साथियों, सभी बड़े बिजनेस की शुरुआत में हमेशा से आपको कहता हूँ कि जितने भी बड़े बिजनेस आज तक हुए हैं, उन सभी का शुरुआत एकदम छोटे लेवल से किया जाता है। पहला चीज़ कि अगर आप बड़े बिजनेस को अगर स्टार्टिंग के दिनों में ही कहीं से लोन से या फिर कहीं और बड़े फंड से लेकर के बड़े लेवल पर स्टार्ट करते हैं और अगर आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से आप फेल कर जाते हैं, तो आपको एक बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप स्मॉल स्केल पर अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं और आप उसको धीरे धीरे बड़ा करते हैं, तो आप एक्सपीरियंस भी होंगे, आपको मार्केट का अनुभव भी होगा और आप लॉस से भी बच सकते हैं। तो बिजनेस करने के लिए हमेशा सही प्लान बनाना बहुत ज़रूरी होता है। एज ए मार्केट कंसल्टेंट, एज ए मार्केट एक्सपर्ट, मार्केटिंग एक्सपर्ट, मैं आपको हमेशा गाइड करता हूँ अपने चैनल के थ्रू। आप हमारे डायरेक्ट फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं, उस पर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे सक्सेसफुल स्ट्रेटजी बना के आप भी अपने बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं। साथियों, बिजनेस एक ऐसी कला है जिसमें डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं और सही डिसीजन नहीं लेते हैं, सही समय पर सही डिसीजन नहीं लेते हैं, तो 100% आप अपने बिजनेस में फेल करने वाले हैं। इस बात को आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। चाहे बिजनेस छोटी हो या बड़ी, उसके लिए प्लानिंग होती है, क्योंकि अगर आपको कहीं जाना है मान के चलिए और आप अपने कहीं जाते हैं, तो उसके लिए पहले प्लानिंग करते हैं कि भाई अगर मान लीजिए आपको भारत मशीनरी में आना है, तो उसके लिए पहले प्लानिंग करना होता है कि मैं अपने घर से ट्रेन पकड़ूंगा, ट्रेन पकड़ने के बाद हाजीपुर स्टेशन पर उतरूंगा और हाजीपुर स्टेशन से ऑटो पकड़ के फिर महुआ अपने भारत मशीनरी में पहुंचूंगा। तो ये एक प्लानिंग हो गया और उसके तहत आप चलते हैं, तो फिर सक्सेसफुल्ली आप जो है भारत मशीनरी में पहुंच जाते हैं। उसी तरीके से अगर आप बिजनेस की भी करना चाहते हैं, तो उसमें एक प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए कि हमारे पास 5 लाख रुपये है, 5 लाख रुपये में मैं 1 लाख रुपये की मशीनरी लूँगा, 1 लाख रुपये में उसका ट्रैवलिंग कैसे उसका एक्सपेंस है उस पर खर्च करूँगा, बाकी का 3 लाख रुपये जो
है मैं अपने कैपिटल पे खर्च करूंगा, मतलब रॉ मटेरियल पे खर्च करूंगा या उसकी पैकेजिंग वगैरह पे खर्च करूंगा। ये प्रॉपर तरीके का गाइडलाइंस और प्रॉपर तरीके का एक प्लान जो है वो आपके पास होना चाहिए, तभी आप बिजनेस में उतरिए, तब जाके आप सफल होंगे, अन्यथा फेल होने का चांसेस आपका ज़्यादा होगा। साथियों, बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सारे जो राज्य हैं जहाँ पे बेरोजगारी दर थोड़ा ज़्यादा है, काम का थोड़ा ज़्यादा कमी है, बंगाल जैसे राज्यों में, वहाँ पे लोगों के अंदर थोड़ा सा ये भी प्रॉब्लम मैं देखा हूँ कि ज़्यादातर लोग अचानक से अमीर बनना चाहते हैं। ये तरीका बहुत सही नहीं होता है। आप धीरे धीरे अपने बिजनेस को ग्रो करिए, फिर आप धीरे धीरे वेल्दी होंगे, आपके पास पैसे आएंगे, फिर उसी पैसे को री इन्वेस्ट करिए अपने बिजनेस में, और उसके बाद फिर जब आपका बिजनेस बड़ा होगा तो आप एक बहुत ही बेहतर बिजनेसमैन अपने आप को महसूस करेंगे, क्योंकि आपने नीचे लेवल से ऊपर तक आया है और फिर बाद में आपको कोई कंपटीशन करके गिरा भी नहीं पाएगा, आपको हरा भी नहीं पाएगा। तो साथियों, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ। अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इन सभी प्रकार की मशीनों को लेने के लिए कुछ नहीं करना है, भारत मशीनरी एंड एंटरप्राइजेज जो है वहाँ से आपको संपर्क करना है, हमसे बात करना है, इसकी सारी जानकारी आपको मिलेगी। जानकारी लेने के बाद जो है प्रॉपर जो भी मशीन आपको लगे कि अच्छा है, उस मशीन के बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद मात्र 20% अमाउंट ही आपको हमारे कंपनी के करेंट अकाउंट में जमा कराना है, उसके बाद जो है मशीनें आपके यहाँ भेज दी जाएगी, तब बाकी का जो है पेमेंट आपको कराना है। अब बात आती है कि ऑफ़र क्या मिलने वाला है। साथियों, ऑफ़र बहुत ही बेहतर है, जिन लोगों ने होली में नहीं चूक गए हैं मशीन लेने से, उन सभी के लिए इतना बेस्ट ऑप्शन अभी मैं लेकर के आया हूँ कि अपने आप को आप नहीं रोक पाएंगे भारत मशीनरी में आने से। अगर आप मशीन लेने की प्लान कर रहे हैं, थोड़ा आगे लेने वाले हैं, थोड़ा पीछे लेने वाले थे, तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। 31 मार्च जो हमारा ये महीना है, 31 मार्च तक हमारे लगभग सभी मशीनों पे, लगभग सभी मशीनें मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो छोटी मशीनें हैं उस पे नहीं, लेकिन लगभग जो हमारी कॉमर्शियल मशीनें हैं, जो लगभग सभी मशीनों पे आपको फ्लैट 10,000 का डिस्काउंट देने वाला हूँ। कुछ नहीं कमाना, सिर्फ सेवा में लगा देना है, 10,000 रुपये की डिस्काउंट आपको मिलने वाली है। अभी आप फोन उठाइए, हमारे नंबर पर कॉल करिए और अपना मशीन आज बुक कराइए, 31 मार्च के बाद ये मौका आपको नहीं मिलेगा। साथियों, मैं इस बार आप लोगों के सेवा के लिए ये मशीनों में बहुत भारी डिस्काउंट लेकर के आया हूँ, सिर्फ और सिर्फ हर उस नौजवान के घर में जिन्हें बाहर में अत्याचार का सामना करना पड़ता है, खुद का रोजगार नहीं होता है, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक सपोर्ट के तौर पर आपके घर रोजगार भेज रहा हूँ। 10,000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट देने वाला हूँ। जो लोग अभी मशीनें नहीं बुक कराए हैं वो इस 31 मार्च तक अपना फ़ायदा उठाइए और अपने घर एक रोजगार ले जाइए और अपने आप को एक बेहतर एंटरप्रेन्योर, एक बेहतर बिजनेसमैन बनाइए अपने भारत मशीनरी के साथ जुड़कर। कुछ नहीं करना है, अभी फ़ोन करना है, डिटेल लेना है, 20% अमाउंट कंपनी में जमा कराना है और आपके घर आपकी मशीनें पहुँच जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करिए और ऑफर का फायदा उठाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए बिजनेस आइडिया के साथ, किसी नए ऑफर्स के साथ, किसी नए मशीनों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा, सत श्री अकाल।